दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले में पांचवें चरण में बेन एवं एकंगरसराय प्रखंड में हुए मतदान को लेकर आज मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से नालंदा कॉलेज में संपन्न हुई। मतगणना का रिजल्ट होने के बाद समर्थक अपने जीते हुए जनप्रतिनिधि को फूलमाला पहनाकर नारेबाजी कर उनका स्वागत करते दिखे। एकंगरसराय प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में हुए चुनाव को लेकर मुखिया समेत अन्य पदों का परिणाम देर शाम तक आ गया। हम आपको बताते चले कि मुखिया पद के लिए एकंगरसराय प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में रिजल्ट इस प्रकार से सामने आया है, जिसमें मंडाच पंचायत से मुखिया पद के लिए मंजू देवी चुनाव जीत गई, जिन्हें 2071 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता देवी को 1946 वोट प्राप्त हुआ। वहीं पार्थु पंचायत से कुमारी तृप्ति को 1225 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रविंद्र प्रकाश को 977 वोट प्राप्त हुआ। वहीं केशवपुर पंचायत से करुणा सिंह को 2489 वोट, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी सुलेखा देवी को 1465 वोट प्राप्त हुआ। वहीं वादराबाद पंचायत से कंचन कुमारी को 1484 वोट, जबकि कमलेश कुमार को 1321 वोट प्राप्त हुआ। वहीं दुर्गांव पंचायत से सीता देवी को 2648 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश कुमार चौधरी को 1725 वोट प्राप्त हुआ। वहीं तेल्हाड़ा पंचायत की अगर हम बात कर लें तो यहां से प्रतिमा देवी को 3655 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी संगीता देवी को 1351 वोट प्राप्त हुआ। वहीं सोनियावा पंचायत से जीतन मोची को 1585 वोट, जबकि श्यामपति देवी को 1119 वोट प्राप्त हुआ। वहीं गयासपुर पंचायत की अगर हम बात कर लें तो गयासपुर पंचायत से संगीता देवी चुनाव जीती, जिन्हें 1909 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी नीलम कुमारी को 1776 वोट प्राप्त हुआ। वहीं कुशियामा पंचायत से सुनील कुमार मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुए, जिन्हें 2860 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अमरेश कुमार गौतम को 2276 वोट प्राप्त हुआ। वहीं नारायणपुर पंचायत की बात कर लें तो वहां से नसीबी लाल को 1177 वोट, जबकि रोशन कुमार को 1036 वोट प्राप्त हुआ। वहीं गुमहर पंचायत से गीता देवी को 1514 वोट, जबकि अनमोला सिन्हा को 1262 वोट प्राप्त हुआ। वहीं एकंगरडीह पंचायत से मदन प्रसाद चुनाव जीते, जिन्हें 1952 वोट प्राप्त हुआ। वहीं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी उर्मिला देवी को 1950 वोट प्राप्त हुआ है। वहीं अमनार खास पंचायत से रूबी देवी को 1594 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांति देवी को 1347 वोट प्राप्त हुआ। अगर अंगारी पंचायत की बात करें तो यहां से कल्पना कुमारी को 2572 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी रिंकू सिन्हा को 1623 वोट प्राप्त हुआ। एकंगरसराय प्रखंड के जमुआमा पंचायत में वैजंती माल को 2080 वोट, जबकि रामानुज कुमार को 1708 वोट प्राप्त हुआ। और इस तरह से जमुआमा पंचायत में वैजंती माल मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुए। वहीं एकंगरसराय प्रखंड के उप पंचायत की अगर हम बात कर लें तो उप पंचायत से कुमार राहुल को 1822 वोट, जबकि
विनय कुमार को 1387 वोट प्राप्त हुआ और उप पंचायत से कुमार राहुल नए मुखिया के लिए निर्वाचित हुए। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियोस।